भाई सरकारें ठीक नहीं है, हमारे घर परिवार स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन देख मैं पढ़ने का जज्बा देख करके वही मैं रुक गया, मैं जा रहा था उधर, लेकिन मैं रुक गया। अच्छी बात ये समाज, ये बड़ा अच्छा लगा कि आपकी राजनीत में काम आ रही है, हमारी पोती है, हाँ, पोती है और इसके माता पिता दोनों नहीं है, जब दोनों नहीं है तो मैं इसके बाप का बाप बाबा हूँ, तो मुझे ये लगता है जब ये राजहित में जो शिक्षा इसका सहायक बनेगी तो स्वयं को छोड़कर किसी न किसी हित में कार्य करेगी, कार्य करेगी और देश के लिए भी तो ये कहीं ना कहीं काम करेंगी। जब हम राष्ट्र की सोचेंगे तो स्वयं सफल हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज, जैसे ही राष्ट्र को हम नजरअंदाज करते हैं या अंग्रेजी कारणवश या किसी कारणवश जी जी वैसे ही हम पिछड़ जाते हैं। क्या नाम है बेटा? अरे नहीं ठीक है, उसको क्या नाम है आपका? हाँ अच्छा, परेशान मत होइए, वैसा कोई वो नहीं है, बड़ी अच्छे से पढ़ी है, बहुत बढ़िया लगा आपको देख करके। परेशान नहीं होते बेटा, है ना, जो जो काम अच्छा होता है ना उसके लिए परेशानी वाली कोई दिक्कत नहीं। ये भैया है कोचिंग चलाते हैं ये, है ना, तो दुर्भाग्य ये है चाचा की इनकी भाग्य से जोड़ा कर, कोई ऐसा शब्द न जोड़े हमारे से हमारी, हाँ हमें हम जैसे हम दुर्भाग्य नहीं जोड़ना है, भाग्य ऐसा है कि मुझे ऐसा किया जाए कि जो हम सब समझ। हाँ मतलब ये है ना कि जैसे हम ये चाह रहे थे, अभी ये भाई साहब हैं, इनकी कोचिंग उन्नाव में चलती है और मैं पुलिस विभाग में आने से पहले मैं भी पढ़ाता था, कोचिंग नहीं पढ़ाता था, लेकिन दिक्कत यह है कि अब आप कानपुर में हैं और हम हमारी अभी समय में जो ड्यूटी हमारी चल रही है वो फतेहपुर चल रही है, इनका यहाँ वहाँ जो चल रहा है वो उन्नाव चलती है कोचिंग, नहीं तो ये होता तो शायद हम लोग शिक्षा में थोड़ा बहुत इनकी हेल्प करते हैं। और अभी तो किस क्लास में हैं आप? 8th में हैं, तो अभी ये इसके बाद हाई स्कूल इंटर करेंगे, फिर कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी करेंगे या कुछ ना कुछ आगे जो भी इन्होंने सोचा होगा। जब कलम हाथ में आ जाती है तो कलम जब तक चेतन अवस्था में रहते तब तक कलम नहीं दूर होती, और ये कलम वो है जो हमारी पूरी देश की व्यवस्था और राष्ट्र को समर्पित और स्वीकार कराए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, संत मोदी आज हमारी सारी दुनिया में हमारे भारत को महान बना दिया, आज हर नागरिक भारत का वरिष्ठ है वो उनका समर्पित हो गया। बिल्कुल हम नागरिक होने के नाते केवल आत्मा से उनको अच्छा कह सकते, राष्ट्र हित में कह सकते, स्वयं नमक रोटी दाल किसी तरह से खा कर अपने आप को संतुष्ट कर लेते जी जी जी। और आपके सबसे भारत में हम आपके सबसे बड़ी जगह पर बैठे हुए हैं, भारत में सबसे बड़ा राज्य 28 राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा नगर कानपुर नगर, और कानपुर नगर सबसे बड़े चौराहे पे 100 मीटर की दूरी पे जो हमारे बगल में लगा हुआ है। अच्छा अच्छा, ये बोर्ड लगा हुआ है से संबंधित, अरे बगल में जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर दिखा दीजिए, जेड स्क्वायर के जस्ट सामने ये इतना एक प्रेरणादायक हम लोगों के लिए रहा कि इधर से बगल से मैं निकल रहा था तो मैंने देखा कि मीडिया यहाँ पड़ रही थी और आए थे हम लोग जेड स्क्वायर का ले सकते हैं, आप जैसे जो भी है आप ले सकते हैं, लगा कि लोग अगर जुनून और जज्बा हो तो कुछ भी किया जा सकता है। खाना 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 यही बनाते हैं आप लोग? खाना यही बनाते हैं? चूल्हे में बना लेते किसी तरह से बड़ा। इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले हम सिलाई किया करते थे, हमारा एक परिवार रहा करता था, एक लड़की थी एक लड़का था, लड़की के एक्सीडेंट हो गया था और उसकी माँ भी नहीं रही थी, तो इस तरह से हमारी ये पोती बची थी, तो मैंने कहा इस धरती पर कुछ तो है नहीं, हमारी केवल एक पोती है और ये हमारे ब्लड डीएनए का डीएनए, तो धरती पर कुछ ना रहे कम से कम ये हमारा विश्वास पात्र बना रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आज तक संसार में इसी तरह से चलाया गया, सारे लोगों ने अपने डीएनए को मान्यता दी, वो काम आए अथवा ना आए हम सभी लोग स्वार्थ से जुड़े रहे और मानव हित में हित देखते हैं। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने जो है खूब अच्छे से पढ़ाई करो, अगर दोबारा फिर आएंगे आपके पास, ईश्वर आपकी मदद करे ठीक चलता और हर बुराई से बचाए, और आशीर्वाद आशीर्वाद लगता शब्द है धरती पे बड़ा। अरे कोई बात नहीं बेटा, हम लोग देखिए क्या होता है कि जो मतलब संघर्ष होता है बस हमसे किसी क्लास में ज्यादा होता है किसी क्लास में, हम लोगों ने भी देखा है 59 वर्ष में हमने सारे हम किसान हैं गांव से जी जी ग्राम से किसान और बचपन से लेकर अभी तक मुझे 50 वर्ष ऐसे याद है जैसे कल गुजरा है, हमने उस जमाने को देखा जब हमारे यहाँ गेहूँ खेतियाँ हुआ करती थी, हम गेहूँ बोया करते थे अपने पिताजी के साथ में गाड़ी पे चला करते थे और गाय चलाया करते थे, फूलों से बैलों के फूलों से बच्चे के फूलों से हुआ करता था और फूल चला करते थे, आठ चला करता था, पानी खाना जाया करता था, तो हमने किसानी और किसान के पुत्र हम किसानी देखी और राष्ट्र नहीं हम लोग भी वही किसान वहीं से हैं, हम लोग किसान
घर परिवार सामान्य। चलिए कोई नहीं, बिटिया को आप अच्छे से पढ़ाइएगा और कोशिश करेंगे कि दोबारा हम कानपुर आए तो आपसे मिलने जरूर आएंगे। और उम्मीद ये भी करेंगे कि जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिटिया की मदद करें, ठीक है, और जो है ताकि बिटिया आगे बढ़ सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर।